Now again next patterns, in that case then we are writing 4 by 4 matrix. In this case mein pattern kiske liye display karna, for any value of n up to n. सबसे पहले मैं लॉजिक राइट डाउन करूं विद रिस्पेक्ट टू n वैल्यू इज 4 वेयर n इज इक्वल्स टू 4. इसलिए मैट्रिक्स किस ऑर्डर में क्रिएट करोगे? 4 बाय 4 मैट्रिक्स. इस केस में अगेन अगर स्पेस और नंबर्स को लेकर बात करें, स्पेस और नंबर्स के लिए केस क्या है? एग्जैक्टली सेम एज प्रीवियस एग्जांपल. इसलिए स्पेस को मैनेज करने के लिए यूज क्या करेंगे? सेम इफ कंडीशन देयर इज नो नीड. दिस इज अगेन प्रीवियस वन एग्जांपल्स. आउटर लूप कितनी बार चला हुआ है? n टाइम्स. इनर लूप कितनी बार चलाएंगे? n टाइम्स. स्पेस को डिस्प्ले कराने के लिए कंडीशन क्या है? सेम I plus A greater than N plus 1. But what is the condition of, what is the conditions for in that case? इस numbers को display कराना है, every time check किया जाए, इसे display क्या कराना? 4, 3, 2, 1. This is somewhat similar to 5 minus 1, 5 minus 2, 5 minus 3. 5 minus 3 का difference क्या है? 2. 5 minus 4 का difference क्या है? 1. तो simply इस case में display क्या करा लेंगे? 5 minus J, 5 minus J. One more things. 5 का write down करें, 5 किस type का value को? Static value. Dynamic way में display करें, for n value of n, 5 can be written as, इस previous case में write down क्या किया था? 5 minus J. That one can also written as 4 plus 1. 5 के place पर क्या write कर सकते हैं? 4 plus 1 minus J. Then 4 के place पर क्या जाएगा? N plus 1 minus J. Final condition क्या हुआ इस case में? N plus 1 माइनस जे. इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशंस का यूज करके गिवन एलिमेंट डिस्प्ले कराना पॉसिबल है. चेक इट अगेन. एक्सप्रेशन क्या है इस केस में? n plus 1 माइनस जे डिस्प्लेड फर्स्ट टाइम. n का वैल्यू फिक्स है, n इज 4. करंट केस 4 plus 1 फर्स्ट एलिमेंट. फर्स्ट एलिमेंट क्या है इस केस में? 1 1. इस केस में J का कोई इंपोर्टेंस नहीं, सॉरी I का कोई इंपोर्टेंस नहीं, क्योंकि I का वैल्यू नहीं, ओनली रिक्वायर्ड क्या है? J वैल्यू. और इस केस में J वैल्यू क्या है? 1. इसके आएगा माइनस 1. रिजल्ट इज डिफरेंस इज 4. इसलिए फर्स्ट टाइम प्रिंट क्या होगा? 4. नेक्स्ट एलिमेंट के लिए चेक करेंगे देन अगेन क्या आएगा? 4 प्लस 1 मीन्स इसका एडिशन फिक्स्ड है, बार बार कैलकुलेट करने की नीड नहीं, मीन्स 5. देन 5 माइनस J. इस केस में J वैल्यू क्या है? 2. 5 माइनस 2 इज 3. डिस्प्ले इज 3. Next time 5 minus J. Next time J value क्या है? 3. Again क्या display हुआ इसके में? 5 minus 3 is 2. Therefore printed as 2. Then same as next one 5 minus 4. 5 minus 4 difference is 1. Display क्या हुआ इसके में? 1. Next time first element के लिए बात करें, 4 के लिए, इसके में J value again किससे start हो रहा? 1 से. तो फिर से क्या आएगा? 5 minus 1 is difference is 4. इसलिए next time के display हुआ 4. इस type से all value display कराना possible by using given expressions for any order.